भागलपुर के मुंगेर में बीती देर रात दो बच्चे की मां महिला प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी युवक को महिला के पड़ोसी ने पकड़कर घर में बंद कर लाठी डंडे से पीट पीट कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि इस मामले में पड़ोसियों ने महिला को भी जमकर पीटा। इधर सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के घर से सबको बरामद किया, जबकि महिला को तत्काल हिरासत में ले लिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गंगापार दियारा बहादुर नगर पुतुलपुर निवासी 26 वर्षीय मोहन कुमार का अवैध संबंध गांव के ही विपिन यादव की पत्नी सीमा देवी से लंबे समय से चल रहा है, जबकि विपिन यादव खुद दूसरे जिले में रहकर दैनिक मजदूरी का काम करता है। सीमा को दो बच्चे भी हैं। लंबे समय बाद मोहन अपने प्रेमिका से मिलने शुक्रवार की मध्य रात्रि उसके घर पहुँच गया। गाँव में रामधुन चल रहा था और उसकी भनक महिला के पड़ोसी को लग गया। जब मोहन और सीमा कमरे में बंद हो गया तो दो दर्जन से अधिक लोग उसके घर पहुंच गए। सभी महिलाओं के अपने गोतिया के लोग थे, जिसके बाद कमरा खुलवाया और महिला व प्रेमी की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। बाद में महिला को वहां से हटा दिया और मोहन का हाथ पैर बांधकर लाठी डंडे से तब तक पिटाई किया जब तक उसकी जान ना चली गई। हालांकि प्रेमी को जब बंधक बनाकर पिटाई किया जा रहा था, तभी महिला ने गाँव वालों के साथ मोहन के परिजनों को इसकी जानकारी दी। सभी दौड़कर महिला के घर गया तो मोहन की मौत हो चुकी थी, जिसकी सूचना मुफस्सिल थाना पुलिस को दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मोहन के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जबकि महिला को हिरासत में लेकर मुफस्सिल थाना लेकर चली गई। मृतक 6 भाइयों में सबसे छोटा था और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मृतक मोहन के परिजनों ने बताया कि सीमा देवी ही फ़ोन कर मोहन को रात में घर बुलाया था। जब मोहन उसके घर गया तो 10 से 12 लोगों ने उसे पकड़ लिया और पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दिया। एक सोची समझी साजिश के तहत मोहन की हत्या की गई। अवैध संबंध के बारे में पूछने पर परिजनों ने बताया कि तो मृतक मोहन अथवा जीवित सीमा देवी ही बता सकती है। परिजनों ने बताया कि सुबह में उन लोगों ने यह भी कहा कि मोहन हमारे घर में घुस गया था, इसलिए उसे पकड़ कर बांध दिया। जब देखने गए तो वह मृतक पड़ा हुआ था और उसका हाथ पैर दोनों बंधा हुआ था। ये उसके साथ जो लेडीज था ना, वही फोन करके इसको बुलाया। उसके साथ संबंध था किसका? मोहन कुमार का, जो अभी मृतक है। हाँ। तो वही बुलाया। उसके बाद आपस में वो लोग कैसे क्या किया, उसको पकड़ कर भर रात रखा, मारपीट किया, मारते मारते मारिए दिया। वो लेडीज था, उनके विपिन यादव का पत्नी, उनसे संबंध। अच्छा। वही फोन करके बुलाया है। बुलाने के बाद जो है घर में लोग भी जैसे सब जाना, उनका गोतिया पड़ोसिया जो है बगल का भाई, वही सब घर केवाड़ी लगा कर अंदर में जो है उसको बहुत पिटाई किया। पिटाई करते करते जो है उसको खत्म कर दिया। जो है अचानक जो फोन किया, फोन सीमा देवी। अच्छा। मेरे घर का बगल में है और फोन किया, वहाँ गया गया और तीन चार को जो है 6-7-8-10 गो आदमी बुला के उसको जो है जोन से मार दिया गया। अच्छा। किस वजह से मारा गया? किस वजह से मारा, ये वजह पता नहीं है। वो तो वजह वही बताएगा, जो मर गया वही बताएगा, हम तो वजह नहीं जानते। और उनको नैवत समय से नहीं था। अच्छा। उसको जो उसी टाइम अपना घर में बांध के मार दिया। काहे के लिए बुलाई थी सीमा देवी इसको? सीमा देवी काहे के लिए बुलाई थी हमको पता नहीं है। हाँ। उसको जान से मार दिया 10-11 आदमी ने। अच्छा। अब हमको पता चला दुश्मनी कुछ, कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी तो नहीं था। तब हमको पता चला कि मार दिया, तब हम सुबह हम गए। हाँ। उसके बाद से वहाँ फोन किए थाना पे, तब थाना प्रभारी गए वहाँ। हाँ। उसके बाद हम फौड़ी पर गए तब फौड़ी पर हवल अथी ले गए, फिर फौड़ी पर से प्रशासन को। उसके बाद जो है थाना गया। किस हालत में आपके भाई का वहाँ पे डेड बॉडी था? हाथ बंधा हुआ था उसको, जो है हमको मृत अवस्था में। अच्छा। उसको जान से मार दिया, लाठी डंडा जो भी है चौक चढ़ा के मार दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजीव कुमार रंजन। कौन है आप उसके? मेरा भाई है मोहन कुमार। पुलिस हिरासत में सीमा ने मीडिया वालों से बातचीत में बताया कि मोहन और उसके बीच पूर्व में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पहले वह उसके घर पर भी आता जाता था, जब से उसकी सास की मौत हुई तब से मोहन नहीं आता था। उसने बताया कि दोनों का घर अगल बगल है और बाड़ी भी एक जगह है। घटना की रात मोहन बाथरूम करने के लिए अपने बाड़ी आया था, तभी उसे पकड़ लिया और मेरा दरवाज़ा खुलवाया, जिसके बाद हम दोनों को प्रमोद कुमार विनोदी यादव, अधीन यादव सुबोध यादव सहित अन्य लोगों ने लाठी डंडे से पिटाई करने लगा। मेरा नाम व कान की बाली भी
ले लिया, मोबाइल भी छीन लिया। सब मिल के मार लगा है। कौन कौन? प्रमोद कुमार, विनोदी यादव, सुबोध दीन यादव। अच्छा, कहाँ के रहते हैं? क्या एक बार ही दोनों पेशाब कराए, दोनों घींच कर हमें सुतल कुछ नहीं किए, सौंप के बार में धक्का मारल के दोनों घर सटले, तब घर में धकेल हम उठलिए कल सौंप से हम के बार घर पर खोलिए, तब घर जा कर धकेल दिल तब तब जा कर बनि के मारे लगल, हमे हल्ला करा लगलिए लगलिए तो हमरो मारलक जेना मुस्त नैना कौन वाला सब कुछ वह सब लै लगे धोती लगल कर पाँच छः अपने बुले नहीं सर बारे में पहले आवे हल अपने पास पहले आव लेकिन इधर से तब नहीं आवे हल तो अपने के भी मार दिया मनीष ओकरा घर में अब गोदिया हमको रह छे मिलने हमर सास मर गेलन जहिया से तहिया से गा मत गा से नहीं कर अपने भी मारपीट कर लियो कर ना हम अपने साथ भी मारपीट कर ले है। हाँ अपने सब आपको भी पीटा है? हाँ हमरो मार। कौन कौन? वह है सब दोनों के बंद किया है। हाँ हाँ तो वहाँ तो बंद करो हमरो वहाँ पीछे हाँ तो बंद करो धोती लगा फैट से मारे मोबाइल छीन लो करो तो कर कौन सी से पीट ले हमने डंडा ले डंडा से फैट से की नाम बोले अपने अपना क्या नाम है सिमान। हत्या के मामले में मुंगेर एसपी जेजे रेड्डी ने बताया कि कुतुलपुर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है जिसमें 26 वर्षीय मोहन कुमार की हत्या पीट पीट कर कर दी गई है जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आया गया है। साथ ही डीएसपी और मुफस्सिल थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन करें। साथ ही बताया कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में ही हत्या का मामला दिखता है, फिलहाल तफ्तीश जारी है। थानाध्यक्ष गए थे मतलब कुतलुपुर में, मनीष यादव एक पुरुष है उसका हत्या हुआ है, तो हमें डी एस पी साहब को निर्देश दिए कि उनका जल्दी से जल्दी सुपरविजन भी किया जाए उस केस का और जो भी इस केस में जो दोषी है उसके ऊपर सख्ती कार्रवाई करने के लिए बोले। पता चल पाया तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से लग रहा है, बट फिर भी हम लोग जाँच पूरा हर एंगल से जाँच करेंगे और थानाध्यक्ष और डी एस पी खुद इसको जाँच अनुसंधान करेंगे। थैंक यू सर। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।